क्या है बीजेपी और फेसबुक का विवाद जिस पर इस देश में सियासी घमासान छुड़ा हुआ है? क्या फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी का नियंत्रण है? वो कौन कौन से आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश पर शासित है उसके ऊपर लग रहे हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करती है बीजेपी? और आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिनको लेकर विपक्ष अब पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में क्या दिया है अपना पक्ष? लेकिन इन सबके इतर सबसे बड़ा सवाल फेसबुक को लेकर, जिसको इस देश में लाखों की तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, हर रोज अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, क्या उस पर बीजेपी का नियंत्रण है और वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ाती है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार के हवाले से जो रिपोर्ट छपी है, दरअसल उसी पर हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दरअसल कैसे भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दरअसल फेसबुक हिंदुस्तान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान पर अपने नियमों में थोड़ी ढील बरतता है, यानी कि वो नेता जो भड़काऊ भाषण इस वर्चुअल दुनिया में देते हैं और उनके जरिए जो असल समाज है उस पर उसका सीधा असर फैलता है, एक दूसरे में नफरत की भावना आती है। इस मामले में बीजेपी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी से, उसको लेकर नियमों में थोड़ी ढील है और यही खबर जब से सामने आई उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसमें तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का जिक्र है। पोस्ट में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। रिपोर्ट को फेसबुक के कर्मचारियों से बातचीत के हवाले से लिखी गई है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि दरअसल उन्होंने टी राजा के भड़काऊ बयानों का विरोध किया था, लेकिन हिंदुस्तान में फेसबुक में जो टॉप लेवल पर बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि दरअसल फेसबुक जो ताकतवर लोग हैं, जो चीजों को प्रभावित करते हैं, अगर वो हेट स्पीच फैलाते हैं तो उन पर कोई नियम कायदे कानून लागू क्यों नहीं किया जाता और इसी बात को लेकर मचा हुआ है बवाल। और इस पूरे मामले पर अब तो बीजेपी की ओर से सफाई भी सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैसे किया है पलटवार वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बकायदा राहुल गांधी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दो टूक कहा है कि दरअसल फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों को ही बीजेपी नियंत्रित करती है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फेसबुक और व्हाट्सएप को न सिर्फ नियंत्रित करती हैं बल्कि वो इसके जरिए नफरत भी फैलाती हैं। अमेरिकी अखबार में ये खबर छपी जिसके बाद हिंदुस्तान में बवाल, राहुल गांधी का इतना बड़ा आरोप जिसके बाद बीजेपी की ओर से सफाई भी दी गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते वो इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करती है। इस तरह से सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पर बीजेपी ने साधा है निशाना। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए आगे कहा है, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे, कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया, ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा है कि तथ्य ये है कि आज इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि दरअसल अब आपके परिवार का राज है नहीं, इसी वजह से आपको ज्यादा कष्ट होता है। आगे तंज कसते हुए उन्होंने बेंगलुरु हिंसा पर भी राहुल गांधी से जवाब मांग लिया कि उस पर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं दी गई। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को घेरा तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी पर हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद को जवाब देते हुए उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ऐसा लग रहा है कि झूठे ट्वीट और झूठा एजेंडा चलाना ही आपका एकमात्र रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं नहीं ली हैं। सुरजेवाला ने दावा किया है कि बीजेपी कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट रही है, कानून मंत्री इस बारे में क्यों नहीं बताते देश को। भारत में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही वार और पलटवार का दौर जारी नहीं है, इस पर दूसरे दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से सियासी वार किया गया है बीजेपी पर सवाल उठाते हुए। उन्होंने पहले मार्क जकरबर्ग से पूरे मामले पर जवाब मांगा है और उसके आगे दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि मार्क जकरबर्ग कृपया इस बारे में बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया,
जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। वहीं AIMIM के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अलग अलग देश के लिए अलग अलग लोकतंत्र के अलग अलग मानक आकर फेसबुक ने क्यों तय किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये लिखा है कि ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है। बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। भारत में जब इस तरह का सियासी बवाल मचा हो, लगातार फेसबुक पर सवाल पूछे जा रहे हो, तो फिर फेसबुक की ओर से भी रविवार को देश के सामने अपनी सफाई दी गई है। फेसबुक की ओर से बयान जारी कर ये कहा गया है कि दरअसल अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मानदंड बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं देते हैं। फेसबुक की ओर से कहा गया है कि हम हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा नहीं देखते। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा है, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट को रोकना और ज्यादा काम करने की हमें अभी भी जरूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और उसको नियमित कर ऑडिट करने पर भी हमारा पूरा जोर है। फेसबुक की ओर से ये प्रतिक्रिया रखी गई है सामने, जब सियासी बवाल फेसबुक को लेकर इस देश में मचा हुआ है। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक को लेकर ये जो बवाल चल रहा है, ये कहां पर जाकर खत्म होगा, थमेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फेसबुक को लेकर पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया है, बल्कि इसके पहले भी कई विवाद फेसबुक के साथ जुड़े रहे हैं। आपको याद भी होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे फेसबुक के नेटवर्क और डेटा का इस्तेमाल अमेरिकी चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया था और उस समय भी फेसबुक को अपने पक्ष में देनी पड़ी थी सफाई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करे और उन तमाम मानकों का पालन करे ताकि विश्वसनीयता हिंदुस्तान के लोगों की इस सोशल मीडिया साइट पर बनी रहे।